गुड मॉर्निंग बच्चों, बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर चल रहा था और बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट निकालेंगे हम जो है ना, तो कार्बोहाइड्रेट में बाद में निकालूंगा, कुछ चीजें एनसीईआरटी की बतानी है मेरे को, फिर मैं बायोमोलिक्यूल्स स्टार्ट करूंगा। जो एनसीईआरटी में बायोमोलिक्यूल के बारे में डेटा है वो करवा रहा हूं। बायोमोलिक्यूल्स जो मॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं उनको बायोमोलिक्यूल बोलते हैं। बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो मॉलिक्यूल्स लिविंग चीजों में मिलते हैं बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं, यानी हमारी बॉडी में जितने भी मॉलिक्यूल है वो बायोमोलिक्यूल है। अच्छा, बायोमोलिक्यूल दो टाइप के होते हैं, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स और बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स। बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स माइक्रो मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल बड़े हैं उनको बायो माइक्रोमोलिक्यूल बोलते हैं, जो छोटे उनको माइक्रोमोलिक्यूल बोलते हैं। इनका साइज लेस देन 800 डाल्टन होता है। माइक्रो है ना, तो माइक्रो का साइज ही होता है लेस देन, इसका मोर देन होता है। जो बायो माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं उनका साइज बड़ा होता है, ये साइज छोटा होता है माइक्रोमोलिक्यूल का। 800 डाल्टन से कम है तो उसको माइक्रोमोलिक्यूल बोलेंगे, 800 डाल्टन से ऊपर है तो माइक्रोमोलिक्यूल बोलेंगे। कुछ जगह माइक्रोमोलिक्यूल में 10,000 भी लिखा हुआ देखा है कि 10,000 से ऊपर हो तो माइक्रोमोलिक्यूल बोलते हैं, तो एक जगह 800 लिखा हुआ है। तो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में आते हैं? प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, पॉलीसेकेराइड और लिपिड। बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं ये वाले मॉलिक्यूल्स बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। प्रोटीन भी बड़ा मॉलिक्यूल्स है, डीएनए आरएनए, डीएनए दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट मॉलिक्यूल्स होता है, लॉन्गेस्ट मॉलिक्यूल्स पूछा जाए दुनिया का तो डीएनए होता है। अच्छा, आरएनए पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है, कराऊंगा अभी मैं आज। तो प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, पॉलीसेकेराइड, लिपिड्स, तो बोले लिपिड का छोटा होता है, ये एक्सेप्शन है, इसका साइज 800 डाल्टन से कम है फिर भी इसको माइक्रोमोलिक्यूल्स में शामिल करते हैं। 800 डाल्टन से कम, ऐसा क्वेश्चन आ गया, ऐसे मॉलिक्यूल्स का नाम बताओ जिसका मॉलिक्यूलर वेट 800 से कम है उसके बावजूद माइक्रो में रखा गया इसको, तो वह लिपिड। रीजन क्या है लिपिड को माइक्रोमोलिक्यूल्स को रखा गया बताता हूं अभी। जो माइक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स किस वजह से डिसाइड होते हैं वो बताता हूं। तो हम बोलेंगे जैसे मान लो मॉलिक्यूल्स कैसे स्टडी करते हैं पता है, लीवर के मॉलिक्यूल्स स्टडी करने हैं तो लीवर को ट्राई करो एसिटिक एसिड में रख देंगे। एसिटिक एसिड होता है CH3COH, तीन क्लोरीन होते हैं, इसको बोलते हैं ट्राई करो एसिटिक एसिड, तीन क्लोरीन होते हैं और एसिटिक एसिड CH3COH को एसिटिक एसिड बोलते हैं, तीन क्लोरीन होते ट्राई करो एसिटिक एसिड बोलते हैं। लीवर में लीवर लिया किसी शरीर का और पता लगाना है कौन कौन से मॉलिक्यूल्स है इसमें लीवर में, ट्राई करो एसिटिक एसिड में पीस दो लीवर को, पीस दो इसे एसिटिक एसिड के अंदर, इन दोनों को मिलाओ और फिर यूज करो पेस्टल एंड मोटर। पेस्टल और मोटर भाई हमारे घर में बचपन में तो खूब देखा करते थे, जो वो नहीं होता था, हम तो हमारे इस साइड में माम दस्ता बोलते हैं, पता नहीं आप लोग दिवाली में क्या बोलते हो। जो मामदस्ता सर लोहे का होता था और एक कूटने का होता था,
उनको पेस्टल मोटर बोलते हैं, कौन सा पेस्टल है कौन सा मोटर है। जो पीसते हैं तो एक ऊपर से मारते ना, जैसे मिर्ची पीस मिर्ची डालकर ऐसे सब दबा कूटते थे, उनको पेस्टल मोटर बोलते हैं। तो लीवर के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हम पता करना, तो क्या करो उसमें ट्राइक्लोरोएस्टिगेशन मिलाओ और पेस्टल मोटर को कूट दो। ठीक है, लीवर में ये मिलाओ और पेस्टल मोटर में कूट दो, फिर क्या करें, फिर उसको फिल्टर कर दो, इसमें कूट करके क्या करो फिल्टर करो। लीवर के जितने भी मॉलिक्यूल है पेस्टल मोटर में आ जाएंगे, लीवर के जितने भी मॉलिक्यूल्स है पेस्टल मोटर में आ जाएंगे, कूटेंगे तब तक, फिर फिल्टर कर दो इसको। जो फिल्टर करने के बाद नीचे आ जाए, छट जाए, फिल्टर हो जाए, उनको एसिड सोल्युबल बोलेंगे और इनको फिल्ट्रेट बोलेंगे। जो एसिड में घुल गए वो नीचे लिक्विड बनकर नीचे आ गए, फिल्टर होके जो तो एसिड सोल्युबल कराएंगे, फिल्ट्रेट कराएंगे। जैसे यू ले लो ये चीज है, इसमें फिल्टर कर लेंगे, इसको फिल्टर कर दो मॉलिक्यूल्स को, कोई फना गया फिल्टर कर दो, तो पता है नीचे आएगा उसको क्या बोलेंगे, ऊपर रहेगा उसको क्या बोलेंगे, तो नीचे फिल्टर हो जाएगा उसको बोलेंगे फिल्ट्रेट, और जो फिल्टर नहीं होगा ऊपर आ जाएगा उसको बोलेंगे रिटेंसेट, रिटेंसेट फिल्ट्रेट दिख रहा है फिल्ट्रेट। हाँ, जो मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया लीवर ले लो, कूट लो लीवर को और ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डाल लो लीवर को, क्या होगा, जो जो नीचे फिल्टर होकर आएगा उसको एसिड सोल्यूबल होगा, एसिड में घुल गया तो फिल्टर हो गया, तो एसिड सोल्यूबल या फिल्ट्रेट नीचे आ जाएगा उसको फिल्ट्रेट बोलेंगे, ऊपर आ जाएगा उसको रिट्रेंसेट बोलेंगे। और जो एसिड सोल्यूबल फिल्ट्रेट है उसमें माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके अंदर माइक्रो मॉलिक्यूल होंगे, एसिड सोल्यूबल या फिल्ट्रेट के अंदर माइक्रो मॉलिक्यूल मिलेंगे, जो ऊपर रहेगा उसमें माइक्रो मॉलिक्यूल मिलेंगे ना, जो छोड़ी नीचे आ रहा है वो तो माइक्रो और ऊपर रहेगा वो माइक्रो माइक्रो मॉलिक्यूल। तो जब फिल्टर के छोटे मॉलिक्यूल्स तो एसिड में घुल के नीचे आ रहे और ऊपर रहेंगे बड़े मॉलिक्यूल्स, यहां बड़े मॉलिक्यूल्स रहेंगे यहां छोटे मॉलिक्यूल्स आ रहे, छोटे मॉलिक्यूल्स से फिल्टर हो गए, बड़े मॉलिक्यूल फिल्टर नहीं हो पाए। जो बड़े मॉलिक्यूल मिले उनको जो ऊपर रह गए वो माइक्रो मॉलिक्यूल है, प्रोटीन है, पॉलीसेकेराइड है, डीएनए आर है। लेकिन एक चीज याद रखो, लिपिड फिल्टर नहीं हो पाया, छोटा फिल्टर नहीं हो पाया, इसलिए माइक्रो मॉलिक्यूल शामिल करेंगे, लेकिन मॉलिक्यूल छोटा है किसी रीजन से फिल्टर नहीं हो पाता लिपिड, तो इसको लिपिड फिल्टर नहीं हो पाता इसलिए इसको माइक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं। लेकिन साइज एडेडन से कम है तो ये ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है, बच गया ऊपर इसलिए मैक्रोमोलिक्यूल्स है, लेकिन साइज कम है इसलिए ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है लिपिड। अब बताओ क्या होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स, जो ट्राइक्लोरोएस्टिगेशन में फिल्टर हो जाए वो मैक्रोमोलिक्यूल्स, जिसका साइज बहुत छोटा होता है एसिड में घुल जाता है मैक्रोमोलिक्यूल्स, इसलिए एसिड सोल्युबल बोलते हैं। दूसरा मैंने कहा ऊपर रहेगा उसमें क्या था रिटेंसेट का, और वो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो एसिड में ना घुले ऊपर रह जाए फिल्टर ना हो तो मैक्रोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन में करवा चुका हूं, लिपिड ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं लेकिन करवा चुका हूं, पॉलीसेकेराइड करवाने डीएनए आरएनए करवाने, तो मैं स्टार्ट करूंगा अभी बेटा, क्या स्टार्ट करूं, अब मैं स्टार्ट करूंगा मैक्रोमोलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट कराऊंगा मैं, कार्बोहाइड्रेट कराने से पहले एक चीज और देख लो, जो एनसीईआरटी है एक टर्म है जो एनसीईआरटी में है फॉर्मूला है एनसीईआरटी का वो करा दूंगा। तो अब हम लेंगे रिकॉर्डेड वीडियो भी डाल देता हूं मैं, अगर बाई चांस कुछ छूट जाते हैं तो रिकॉर्डेड वीडियो में आ जाएगी मुझे, ठीक है करो स्टार्ट करते हैं। और क्या बोलो, अब हम लेते हैं क्या लेना है अमीनो एसिड्स COOH NH2H और R, अमीनो एसिड है एक अमीनो ग्रुप एक एसिड ग्रुप, ये H है ऊपर H लगा दो ग्लाइसिन बन जाएगा,
आ रहे हैं अमीनो एसिड, इसका हाइड्रोजन निकल जाए और इसके पास चला जाए, इस पर नाइट्रोजन चला जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सीओच का हाइड्रोजन एनएच2 के पास चला जाए तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये ऐसा भी हो सकता है कार्बन से NH2 COO RH, ऐसा भी हो सकता है NH3 CRH COH के प्रोसेस। अमीनो एसिड सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम में मिलते हैं, कभी कभी अमीनो एसिड में NH2 पर चार्ज नहीं आएगा, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, इसमें COH पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये नॉर्मल है, कई बार उल्टा हो जाता है, NH3 पर चार्ज आ जाता है, COH नॉर्मल होता है, और ये इक्विलिब्रियम में मिलेंगे इसके साथ, इस अमीनो एसिड के साथ, इसमें प्लस चार्ज भी है माइनस चार्ज भी है। ऐसा मॉलिक्यूल क्या कहलाता है जिसमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज अलग अलग एंड पे मिले, ड्यूटेरायन, ड्यूटेरायन ये ड्यूटेरायन है जिसमें पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल भी जुड़ा हुआ है, नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल भी जुड़ा हुआ है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स, ये बड़ा मॉलिक्यूल है जिसमें छोटे मॉलिक्यूल्स के ऊपर चार्ज है, तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें प्लस चार्ज भी हो नेगेटिव चार्ज भी हो ड्यूटेरायन बोलते हैं, और अमीनो एसिड के अंदर ड्यूटेरायन की फॉर्म में मिलते हैं अमीनो एसिड बॉडी के अंदर। ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं कार्बोहाइड्रेट, टोटली अंडरस्टैंडिंग का टॉपिक है और देखते हैं जो कैसे करोगे कार्बोहाइड्रेट्स। देखते हैं कितना कार्बोहाइड्रेट करवा पाते हैं हम, जो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन, ओल्ड डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट समझे, कार्बोहाइड्रेट की पुरानी डेफिनेशन क्या है, पुरानी डेफिनेशन है हाइड्रेट ऑफ कार्बन, कार्बोहाइड्रेट कार्बो का मतलब कार्बन, हाइड्रेट मतलब वाटर, कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं हाइड्रेट ऑफ कार्बन, कार्बन भी है और हाइड्रेट यानी वाटर भी है। कैसे एग्जाम्पल बताओ कहां अप्लाई होती है डेफिनेशन, ये डेफिनेशन अप्लाई होती है हाइड्रेट ऑफ कार्बन बता रहे ना, CnH2nOn यही है ना, कार्बन नंबर भाई हाइड्रेट नहीं हो गया H2O, हाइड्रोजन डबल है ऑक्सीजन से इसलिए हाइड्रेट वर्ड लगा दिया, जिस भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डबल हो वो कार्बोहाइड्रेट होता है, और इन दोनों का नंबर बराबर होगा तो मुझे एग्जांपल बताओ, ग्लूकोज क्या है कार्बोहाइड्रेट है, फ्रक्टोज क्या है कार्बोहाइड्रेट है, गैलेक्टोज क्या है कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज कार्बोहाइड्रेट तीनों का फॉर्मूला होता है C6H12O6, तीनों का ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज का फॉर्मूला है C6H12O6। अब बताओ कार्बन ऑक्सीजन बराबर हाइड्रोजन डबल है या नहीं, कार्बन ऑक्सीजन बराबर हाइड्रोजन डबल है, कार्बन ऑक्सीजन बराबर हाइड्रोजन डबल है इसलिए कार्बोहाइड्रेट। अच्छा वो मॉलिक्यूल्स जो इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं करते वो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स है जहां पर डेफिनेशन फेल हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन कौन से मॉलिक्यूल में फेल हो जाती है, देखो यहां तो अप्लाई हुआ है, अब मैं बोलूंगा डीऑक्सीराइबोज, ठीक है सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज, ठीक है और इन तीनों में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती डीएनए में मिलती है, तो शुगर होती डीऑक्सीराइबोज डीएनए में मिलती है,
इसका फॉर्मूला होता है C5H10O4 डीऑक्सीराइबोज। अब बताओ कार्बन से हाइड्रोजन तो डबल है लेकिन ऑक्सीजन कार्बन के बराबर होने चाहिए, नहीं ऑक्सीजन कम है इसमें, तो डेफिनेशन फेल हो गए। ये सारे कार्बन आ जाते लेकिन डेफिनेशन अप्लाई नहीं हो रही। डेफिनेशन का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट की कार्बन ऑक्सीजन से हाइड्रोजन डबल हो, लेकिन डीऑक्सीराइबोज में कार्बन ऑक्सीजन बराबर नंबर में नहीं है। ठीक है, इन तीनों को चीनी बोलते हैं, चाय में चीनी डालते हैं उसको सुक्रोज बोलते हैं। करा मैं डिटेल कराऊंगा बेटा, चीज है दूध मीठा होता है लैक्टोज की वजह से, सुक्रोज चीनी को बोलते हैं माल्टोज। इन तीनों में क्या होता है, सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज तीनों का फॉर्मूला क्या है, तीनों का फॉर्मूला C12H22O11 बताओ फॉर्मूला अप्लाई हुआ। कार्बन ऑक्सीजन का नंबर बराबर नहीं है, कार्बन 12 है ऑक्सीजन 11 है, तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन ये हाइड्रेट ऑफ कार्बन है क्या, नहीं कार्बोहाइड्रेट का मतलब हाइड्रेट ऑफ कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन से हाइड्रोजन डबल होना जरूरी है। डीऑक्सीराइबोज में हाइड्रोजन कार्बन से डबल, ऑक्सीजन से डबल नहीं, ऑक्सीजन से डबल ये जो है कार्बन ऑक्सीजन का नंबर अलग है इसके अंदर सुक्रोज के अंदर, इन तीनों सुगर के अंदर। तो ये वो मॉलिक्यूल है जिसपे ये डेफिनेशन फेल हो जाती है कार्बोहाइड्रेट की, जो है कार्बोहाइड्रेट लेकिन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हाइड्रेट और कार्बन नहीं है, कार्बन ऑक्सीजन से हाइड्रोजन डबल नहीं है, है चारों कार्बोहाइड्रेट तो, लेकिन मतलब ये डेफिनेशन ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज अप्लाई हो जाती है, लेकिन ये भी कार्बोहाइड्रेट इनमें अप्लाई नहीं होती, इनमें या तो ऑक्सीजन कम है या हाइड्रोजन कम है, तो ऐसा है इनमें अप्लाई नहीं होती डेफिनेशन, चलो अप्लाई नहीं होती। और एक एक्सेप्शन तो ऐसी है, कार्बोहाइड्रेट है भी नहीं और इस डेफिनेशन अप्लाई हो जाती है, तो एक्सेप्शन होगी नहीं। जैसे बताओ कौन सा मॉलिक्यूल है विच इज नॉन कार्बोहाइड्रेट, विच इज नॉन कार्बोहाइड्रेट, कौन सा मॉलिक्यूल है जो नॉन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट नहीं है बट डेफिनेशन अप्लाई है, कौन सा मॉलिक्यूल है जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है लेकिन डेफिनेशन अप्लाई हो जाती है इसके ऊपर, कौन सा अगर देखो इस फॉर्मूले को देखो, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, हमारे को पता है कार्बोहाइड्रेट नहीं है लेकिन इसकी डेफिनेशन पुरानी वाली डेफिनेशन इसमें अप्लाई हो जाती है। जैसे कार्बन बनाओ बिक रहे हैं इसमें 2, हाइड्रोजन बिक रहे हैं 4, ऑक्सीजन बिक रहे हैं 2, बताओ कार्बोहाइड्रेट है भी नहीं और डेफिनेशन अप्लाई होगी हाइड्रेट ऑफ कार्बन वाली, तो कार्बोहाइड्रेट की पुरानी डेफिनेशन है, अगर वैसे याद रखना चाहते हो रखें कि भाई हाइड्रेट ऑफ कार्बन जिसमें कार्बन ऑक्सीजन से हाइड्रोजन डबल हो उसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, कार्बन ऑक्सीजन से हाइड्रोजन डबल हो तो उसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन सब जगह अप्लाई नहीं हो रही है, इसके नई डेफिनेशन बताऊंगा मैं, जो मॉडर्न डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट की वो सब जगह अप्लाई होगी, हर कार्बोहाइड्रेट पर अप्लाई होगी, जो वो डेफिनेशन याद करना, ठीक है ना बेटा। तो मैं तो मोस्टली बताया करता हूँ कि बायोकेमिस्ट्री तुम्हारे एमबीबीएस में भी है, एमबीबीएस करोगे तो बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, उसमें सारा चैप्टर पढ़ोगे बायोमोलिक्यूल वाला दोबारा, तो अच्छी बात है ढंग से याद हो जाएगी ये जो। और डीएनए आरएनए तो ऐसा है, डीएनए आरएनए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, पूरी दुनिया डीएनए आरएनए की स्टडी में लगी हुई है, तो वो मॉलिक्यूल बहुत पढ़ना पड़ेगा। प्लस टू में एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल का, प्लस टू में केमिस्ट्री हूँ बायोलॉजी में केमिस्ट्री हूँ, तो पढ़ना पड़ता बायोलॉजी वाले को सर बोल देते हैं खुद पढ़ लो, तो ये मॉलिक्यूल का चैप्टर बहुत जरूरी है, जरूरत तो सारे चैप्टर है लेकिन ये ज्यादा जरूरी है। तो कार्बोहाइड्रेट डेफिनेशन जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है उसको तो अप्लाई होगी इसलिए, इसलिए और जो कार्बोहाइड्रेट उसको अप्लाई नहीं होगी, इसलिए इन कमियों की वजह से कार्बोहाइड्रेट नई डेफिनेशन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट की नई डेफिनेशन लेते हैं।
कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन है मिनिमम थ्री कार्बन कार्बोहाइड्रेट में कार्बन का नंबर तीन तो मिनिमम होना ही चाहिए। दो कार्बन का कभी कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, इस तरीके से दो कार्बन का नंबर कार्बोहाइड्रेट में मिनिमम तीन कार्बन मिलेंगे, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, हजारों का नंबर हो सकता है कार्बन का नंबर, लेकिन मिनिमम थ्री कार्बन होने जरूरी है। वन सी एच ओ और सीओ, एक कीटोन ग्रुप सीओ को बना कीटोन बोलते हैं, जो सी एच ओ का एल्डिहाइड बोलते हैं, तो वन एल्डिहाइड और वन कीटोन या कार्बोहाइड्रेट में या तो एक एल्डिहाइड होगा या एक कीटोन होगा, ज्यादा नहीं मिलेंगे। एक मॉलिक्यूल सर कार्बोहाइड्रेट का है तो उसमें एल्डिहाइड या कीटोन एक है, और कई मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट के तो उसमें ज्यादा हो जाएंगे। एक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बोहाइड्रेट का तो एक सिंगल मॉलिक्यूल, और भी मोनोसैकेराइड की बात कर रहा हूं, धीरे धीरे बताऊंगा मोनोसैकेराइड होती क्या है। तो सी एच ओ या सी ओ एक होगा कार्बोहाइड्रेट, मोस्टली मैं मोनोसैकेराइड की बात कर रहा हूं, ये अगर मोनोसैकेराइड जुड़ जाएंगे तो सी एच ओ कहीं भी बन सकते हैं, यानी मिनिमम लिया जाए मिनिमम थ्री कार्बन और मिनिमम वन एल्डिहाइड और कीटोन, ज्यादा कितने भी हो सकते, ठीक है। हाइड्रोक्सी ग्रुप का ओएच, ओएच ग्रुप मोर देन वन, एक से ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप होना चाहिए, ये कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन है। कार्बोहाइड्रेट उस मॉलिक्यूल को बोलोगे जिसमें एल्डिहाइड कीटोन वन हो, कार्बोहाइड्रेट उसको बोलेंगे जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप मोर देन वन हो, एल्डिहाइड कीटोन वन मिनिमम, ये सारे मिनिमम वैल्यू, ज्यादा कितने भी हो सकते सारे मॉलिक्यूल्स, मिनिमम थ्री कार्बन होना चाहिए, मिनिमम एल्डिहाइड कीटोन एक होना चाहिए और मिनिमम हाइड्रोक्सी मोर देन वन होना चाहिए। चलो भाई तो ये तो नॉर्मल डेफिनेशन होगी कार्बोहाइड्रेट की, तो आगे क्या गए शॉर्टकट में डेफिनेशन जो बुक ऑर्डर लिखी है वो ये लिखी है, ओनली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, ये कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन है। पोली हाइड्रोक्सी का मतलब हाइड्रोक्सी एक से ज्यादा है, ओएच ग्रुप को बोलता है हाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड कीटोन या एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, कार्बन पता नहीं है, कार्बन तो होंगे वो हाइड्रोक्सी ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप कार्बन से अटैच होंगे। चलो भाई मान लिया ये डेफिनेशन हो गई, तो कार्बोहाइड्रेट का एक मॉलिक्यूल हो एक एल्डिहाइड कीटोन हो तो उसको पता है क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो होता है क्यों ले लो कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम सैकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम सैकेराइड है। कार्बोहाइड्रेट एक मॉलिक्यूल हो तो मोनोसैकेराइड बोलेंगे, एक होता है ओलिगोसैकेराइड्स और एक होता है पॉलीसैकेराइड्स, ये कार्बोहाइड्रेट टाइप है, कार्बोहाइड्रेट की टाइप है मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, समझे बेटा। कार्बोहाइड्रेट का एक मॉलिक्यूल कहलाता है मोनोसैकेराइड्स, और मोनोसैकेराइड टू टू एट जुड़ जाए दो से आठ, इसमें थोड़ी वेरिएशन है बेटा, कई जगह टू टू सिक्स लिखा है, कई जगह टू टू टेन लिखा है, एवरेज टू टू एट ग्रुपो जुड़े हुए। मोनोसैकेराइड का मतलब है वन मॉलिक्यूल, मोनोसैकेराइड का मतलब
टू टू एट मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा ओलिगोसैकेराइड, ओलिगो मतलब फ्यू फ्यू मॉलिक्यूल्स, और लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड हो लार्ज नंबर तो पॉलीसैकेराइड बोलेंगे, पॉलीसैकेराइड में जो मोनोसैकेराइड जुड़ेगा उनका नंबर बहुत ज्यादा होगा। तो मोनोसैकेराइड जो होता है वो एक मॉलिक्यूल होता है, उसमें एक एल्डिहाइड एक कीटोन होता है। ओलिगोसैकेराइड में कई मोनोसैकेराइड जुड़ जाएंगे तो हर एक में एल्डिहाइड कीटोन होगा, जो पॉलीसैकेराइड में बहुत ज्यादा मोनोसैकेराइड जुड़ जाएंगे तो एल्डिहाइड कीटोन बहुत ज्यादा हो जाएंगे। आज अपना टॉपिक रहेगा मोनोसैकेराइड के ऊपर, आज टॉपिक करेंगे हम मोनोसैकेराइड का, तो याद रखना होगा ना। ग्लिसराइड फैट को बोलते थे, एक ग्लिसरॉल से एक फैटी एसिड होता है मोनोग्लिसराइड, दो फैटी एसिड होता है डाइग्लिसराइड, तीन फैटी एसिड होता है ट्राइग्लिसराइड, इससे ज्यादा नहीं होते जो। अमीनो एसिड में दो अमीनो एसिड जुड़ जाएगा डाइपेप्टाइड, तीन जुड़े ट्राइपेप्टाइड, ज्यादा होता है पॉलीपेप्टाइड। तो प्रोटीन के लिए पेप्टाइड वर्ड था, फैट के लिए ग्लिसराइड या सैकेराइड वर्ड है। एक मॉलिक्यूल मोनोसैकेराइड, टू टू एट ओलिगो और मोर देन एट पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, ठीक है यहां तक क्लियर। पॉलीसैकेराइड में लार्ज नंबर मोनोसैकेराइड होते हैं, आज मैं मोनोसैकेराइड कराऊंगा, आज मैं कराऊंगा मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड में भी करना भाई, एक मॉलिक्यूल होता है कार्बोहाइड्रेट का, ओलिगोसैकेराइड पॉलीसैकेराइड को तुम तोड़ सकते हो, डाइजेस्ट कर सकते हो, ओलिगोसैकेराइड पॉलीसैकेराइड को, मोनोसैकेराइड का डाइजेस्ट नहीं होता, नॉट डाइजेस्टेड इन द बॉडी। हां रेस्पिरेशन में टूट जाएगा, ब्रेक डाउन इन रेस्पिरेशन, डाइजेशन का मतलब समझते हो ना बेटा, डाइजेशन तो अलग चीज होगी, डाइजेशन बड़े मोल के छोटे मोल के टूटते हैं और पॉलीमर मोनोमर में टूटता है डाइजेशन में मोस्टली, तो डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट है कार्बोहाइड्रेट टूट के ग्लूकोज में टूट जाएगा, मोनोसैकेराइड में टूट जाएगा, लेकिन एलिमेंट्री के नाम में मोनोसैकेराइड नहीं टूटेगा, बॉडी की सेल में मोनोसैकेराइड टूटेगा, बॉडी की सेल में रेस्पिरेशन होगा मोनोसैकेराइड का, तो वो अलग डाइजेशन नहीं होता है, डाइजेशन मतलब बड़े मोलिक्यूल छोटे मोलिक्यूल में टूटे, ऑर्गेनिक मोलिक्यूल तो ऑर्गेनिक मोलिक्यूल में टूटता है, लेकिन यहां पे जो है रेस्पिरेशन जो होगा उसमें तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन जाते हैं। तो मोनोसैकेराइड्स करने हैं जो है तो पॉलीमर की हम स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्टार्स ग्लाइकोजन ये पॉलीमर है, उससे ये किससे बनते हैं, ग्लूकोज से बनते, मोनोसैकेराइड्स से बनते हैं। तो मोनोसैकेराइड करवाने है बेटा मेरे को जो है करो स्टार्ट, मैं ऐसा करता हूं मोनोसैकेराइड की टाइप कराता हूं, आज मोनोसैकेराइड ही हो पाएगा, जो ओलिगोसैकेराइड पॉलीसैकेराइड बाद में याद रखेंगे। तो यूं मानना एक मॉलिक्यूल जो कार्बोहाइड्रेट का होता है वो मोनोसैकेराइड होता है, और एक मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट को मोनोसैकेराइड बोलते हैं, और वो एक मॉलिक्यूल जो कार्बोहाइड्रेट का है उसके अंदर एल्डिहाइड कीटोन एक ही मिलेगा ना, एल्डिहाइड कीटोन एक मिलेगा मोनोसैकेराइड, ये याद रखना मोनोसैकेराइड किसको बोलते हैं जिसमें एल्डिहाइड कीटोन एक हो, और कार्बन का नंबर कितना होता है मोनोसैकेराइड के अंदर ये फिक्स है 3-7। मोनोसैकेराइड के अंदर कार्बन का मॉलिक्यूल का नंबर होता है 3-7, 3-7 कार्बन होता है मोनोसैकेराइड, ठीक है। करो स्टार्ट, मैं एक मॉलिक्यूल 3 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट डायग्राम बनाऊंगा, 4 का बनाऊंगा, 5 का बनाऊंगा, 6 का, 7 का, करो स्टार्ट करूंगा। ये देखो 1-2-3 OH OH CHO, ये एक मॉलिक्यूल है 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, 1-2-3 इसको बोलेंगे ट्रायोज, ट्रायोज कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, 3 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट ट्रायोज होता है, 3 कार्बन मोनोसैकेराइड्स, 3 कार्बन का मोनोसैकेराइड ट्रायोज होता है, 3 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड होता है, समझ गए बेटा, 3 कार्बन का जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ट्रायोज बोलते हैं, ट्राई मतलब 3। मोनोसैकेराइड की अगर मैं बात करूं
तीन कार्बन का ट्रायोज है और मैं मोनोसैकेराइड की अगर बात करूं तो मोनोसैकेराइड है, क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन वन है, एल्डिहाइड दिखा रहा हूं, सारे मॉलिक्यूल एल्डिहाइड दिखा रहा हूं, मॉलिक्यूल कीटोन की बात कर रहा हूं, और मिनिमम थ्री कार्बन होगा ना, अब चार कार्बन ले, चार कार्बन ले, वन टू थ्री फोर, ओएच ओएच ओएच, तुम बोलो कि हाइड्रोजन को लगा दो, वैलेंसी पूरी करने के लिए लगा रहा हूं, तीन बॉन्ड है तो हाइड्रोजन लगे, दो बॉन्ड है तो हाइड्रोजन लगा दो, चार वैलेंसी पूरी करनी है कार्बन की, तो कार्बन के चार बॉन्ड अगर नहीं हो रहे हैं तो हाइड्रोजन उतने ही लगा दो, जैसे इसमें दो बॉन्ड है कितने हाइड्रोजन लगा दो, चार बॉन्ड होने चाहिए तो दो हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, इसमें तीन बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन लग जाएगा, चार बॉन्ड बनाने ना, इसको क्या बोलूं आप बताओ, इसको ट्रायोज लगा, इसको क्या बोलूं, एक तो कहा ट्रायोज, इसको बोलेंगे टेट्रोज, टेट्रा का मतलब फोर होता है, एग्जाम्पल कर रहा हूं मैं धीरे धीरे, इसको ना स्टार्ट किया मैंने, जो चार का होगा टेट्रोज, इसमें दिख नहीं रहा, एक एल्डिहाइड कीटोन और हाइड्रोक्सी ग्रुप हर कार्बन से अटैच है, तो मिनिमम थ्री कार्बन तो होंगे होंगे, तो हाइड्रोक्सी मिनिमम टू तो होंगे होंगे, बताओ इसमें हाइड्रोक्सी मोर देन वन है कि नहीं, अरे भाई कार्बन मिनिमम थ्री चाहिए, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, और हर कार्बन से ओएच जुड़ेगा, तो मिनिमम थ्री कार्बन में दो कार्बन में से तो ओएच जुड़ेगा, एक एल्डिहाइड मान लो, इसमें भाई हर कार्बन चार कार्बन हो गए तो एल्डिहाइड एक होगा और बाकी का हाइड्रोक्सी होगा, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप का नंबर एक से ज्यादा होता है, मिनिमम थ्री कार्बन होते हैं और एल्डिहाइड कीटोन वन होता है, समझे, मिनिमम थ्री कार्बन ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, एल्डिहाइड वन और हाइड्रोक्सी मोर देन वन, देख लो सर जितने कार्बोहाइड्रेट बना रहा हूं मुझे फॉर्मूले दो, लेकिन है मोनोसैकेराइड क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन एक है बस, तो उसको जिसमें एल्डिहाइड कीटोन वन होता है उसको मोनोसैकेराइड बोलते हैं, टेट्रोज हो गए, ट्रायोज हो गए, टेट्रोज हो गए, भाग लो अपने पेंट्रोज, टेट्रोज इधर हो गए, पेंट्रोज यहां ले लेता हूं, फाइव कार्बन ले लो, टू थ्री फोर फाइव, फाइव कार्बन ले लिए, वही एल्डिहाइड और वही ओएच, ओएच हाइड्रोजन वही पूरे कर दो, हाइड्रोजन पूरे करने में ज्यादा एनर्जी ना लगा ना, हाइड्रोजन को दिक्कत नहीं है, जो हाइड्रोजन तो जो है कार्बन के नंबर पर डिपेंड करेगा, एक बॉन्ड बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करेगा, कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, चार वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन लगा दोगे तो हाइड्रोजन का दिक्कत नहीं है, और ये याद रखना तो एक एल्डिहाइड दिखाना है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक से ज्यादा दिखाना है, पेंटोज होगी पांच कार्बन शुगर है, पेंटोज ठीक है, पेंटोज भी हो गई, अब क्या बना हेक्सोज, छह कार्बन हेक्सोज ड्रा करता हूं, कार्बन 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 और कार्बन, थ्री थ्री सिक्स, ओएच 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 और एलिड, तुम्हारे दिमाग में एक माइंड में सवाल नहीं आया, बोले कि ऊपर वाले कार्बन के वाले से पूरी कर ही नहीं रहे हो आप, अरे भाई ये ऐसे है, एल्डिहाइड सी एच होता है यार, एल्डिहाइड सी एच होगा तो डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो तीन बॉन्ड का जो फायदा हो गए, तो ऐसे ही देखते सी एच होता है, वैलेंसी पूरी है उसकी, जो हाइड्रोजन तो खुद लगा लिया आपको, एच 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 टू, क्या है ये एच टू, छह कार्बन का कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, तो सात कार्बन का बना तो इतने बना ही है, तो सात कार्बन का वाले बना दो, सी एच ओ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, और ये हो गया ओएच, ये हो गया ओएच, ओएच एच इधर लगा दो, ठीक है, ये हेप्टोज, सात कार्बन का हेप्टोज होता है, अब बताओ ये एक मॉलिक्यूल है, सात से ज्यादा कार्बन नहीं मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट के अंदर, अगर एक मॉलिक्यूल है तो मैक्सिमम सेवन कार्बन होते हैं,
हैप्टोज में सेवन कार्बन होते हैं, हैप्टोज में सेवन कार्बन होते हैं, हेक्सोज में छह कार्बन होते हैं, पेंटोज में फाइव, मिनिमम थ्री कार्बन है, मैक्सिमम सेवन कार्बन। एक मॉलिक्यूल के अंदर मिनिमम थ्री कार्बन है और मैक्सिमम सेवन कार्बन। एक ही मॉलिक्यूल जिसके अंदर तीन से सात कार्बन हो उसको मोनोसैकेराइड बोलते हैं। ये भी डेफिनेशन ठीक है कार्बन की, मोनोसैकेराइड की, कि कार्बन नंबर थ्री टू सेवन हो तो उनको मोनोसैकेराइड बोलेंगे। कार्बोहाइड्रेट का नंबर अगर थ्री टू सेवन है तो मोनोसैकेराइड, थ्री से कम नहीं होता, सबसे ज्यादा नहीं होता। एक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन, एक बात और याद रखना, ये टर्म याद रखना है, मोनोसैकेराइड दो टाइप के होते हैं, मोनोसैकेराइड दो टाइप के होते हैं, एक होता है हैलोज, एक होता है कीटोज। मोनोसैकेराइड दो टाइप के होते हैं, हैलोज और कीटोज, दोनों डिफरेंस क्या है? ऐसा करता हूं इसको मिटा दो, क्या टेट्रो पेंटोज की जरूरत नहीं है, टेट्रो पेंटोज की होते हैं जरूरत नहीं है, हेप्टोज की जरूरत नहीं है, अपने को जरूरत पड़ेगी ट्रायोज और हेक्सोज की जरूरत पड़ेगी मुझे। तो मोनोसैकेराइड दो टाइप के, एल्डोज और कीटोज। अगर एल्डिहाइड ग्रुप है कार्बोहाइड्रेट ग्रुप एल्डोज बोलेंगे, कीटोन ग्रुप है तो कीटोज। एल्डोज क्या होता है? एल्डोज होता है कंटेन वन एल्डिहाइड ग्रुप। कीटोज कंटेन वन कीटोन ग्रुप। किसी मॉलिक्यूल में एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है एल्डोज बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट में एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है एल्डोज बोलो, कीटोन है तो कीटोज। बताओ मैंने सात कार्बोहाइड्रेट में टाइप कर दी, जिस कार्बोहाइड्रेट में कीटोन ग्रुप हो तो अब मैं बनाता हूं कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल कराता हूं। मैं ये मोलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं, ट्रायोज तो तीन कार्बन का होगा लेकिन मोलिक्यूल्स तो अलग अलग टाइप के होंगे, जनरल स्ट्रक्चर की तो टेट्रोज की भी एग्जांपल कराता हूं मैं। ट्रायोज के दो एग्जांपल आते हैं, ट्रायोज के मैंने कहा दो एग्जांपल आते हैं, एक तो ये है, इसका नाम क्या है इस कार्बोहाइड्रेट का? तो इस कार्बन कार्बोहाइड्रेट का नाम है ग्लिसरल्डिहाइड, इस कार्बोहाइड्रेट का नाम है ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड इस ट्रायोज कार्बोहाइड्रेट का नाम। तुम बोलोगे नाम तो सुना सुना सा लगता है, एक ग्लिसरोल वर्ड सुना था, फैटी एसिड ग्लिसरोल, उसमें तीन कार्बन से तीन ओएच जुड़ते थे, तीन कार्बन से तीन और जुड़े तो बोलेंगे ग्लिसरोल, और ग्लिसरोल के साथ एल्डिहाइड बना दो, ग्लिसरोल का ओएच हटाओ और एल्डिहाइड बना दो तो उसको ग्लिसरल्डिहाइड बोलेंगे, तीन कार्बन का कार्बोहाइड्रेट। तो एल्डोज हुआ या कीटोन हुआ? एल्डिहाइड से एल्डोज है, ये एल्डोज है, और कीटोज बना दू, कीटोज का एग्जाम्पल सी एच टू ओएच सीओ CH2OH। ये इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है CH? तो केमिस्ट्री में आगे बढ़ जाओगे तो सर आपको बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल करवाएंगे सर, तो उसमें पढ़ोगे तुम जो सी एच थ्री सीओ सी एच थ्री को पता क्या बोलते हैं? इस पूरे मॉलिक्यूल को सी एच थ्री सीओ सी एच थ्री एसीटोन बोलते हैं, केमिस्ट्री में बहुत कॉमनली यूज करते हैं एसीटोन वर्ड जो, तो सी एच थ्री सीओ सी एच थ्री को एसीटोन बोलते हैं। और स्टोन में हाइड्रोक्सी ग्रुप कितने हैं? ये दो है, इसका पूरा नाम होगा डाई हाइड्रोक्सी एसिटोन, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ओएच ग्रुप है और एसिटोन है। अब ये बताओ कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं दोनों? ये कीटोन हो गए, तीन कार्बन के कारण कार्बोहाइड्रेट को ट्रायोज बोलते हैं,
दोनों ट्रायोज है, एक को बोलेंगे एल्डोज एक को बोलेंगे कीटोज, एक में एल्डिहाइड ग्रुप है एक में कीटोन ग्रुप है। याद कैसे रखोगे, CH3CO CH3 को बोलते हैं हिस्टोन, और हिस्टोन में दो हाथ जुड़ जाएंगे क्या बोलोगे, डायरेक्ट हाइड्रोक्सीस्टोन, दो ओवर जुड़ गए एस्टोन के साथ, दो ओवर जुड़ गए CH3CO CH3 को एस्टोन बोलते, दो ओवर जुड़ गए डायरेक्ट हाइड्रोक्सीस्टोन बोलते। ये दुनिया के स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, दुनिया के स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट और डायहाइड्रोक्सीस्टोन स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है दुनिया के, दोनों ट्रायोज है, दोनों तीन कार्बन के, ठीक है। दोनों कहां यूज होते हैं, रेस्पिरेशन में बनते हैं दोनों, ये दोनों ही, ये दोनों फॉर्म इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस में, ग्लाइकोलाइसिस और रेस्पिरेशन। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है मैंने पता है, ग्लूकोज के टूटने, ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में टूटे तो वो तो रेस्पिरेशन हो जाता है, ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में टूटे, लेकिन रेस्पिरेशन कई स्टेप है, पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस है, उस ग्लाइकोलाइसिस में दोनों बनते हैं। जब प्लांट फिजियोलॉजी में सर पढ़ाएंगे तो उसमें देखोगे कि इसके स्टेप वाइज पढ़ोगे, जो ग्लाइकोलाइसिस में स्टेप पढ़ोगे तुम जो, तो उसमें ये पढ़ेंगे, ये दोनों बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस में बनते हैं। और सुना है इस दुनिया में अनाज जो बनता है, सब्जियां फ्रूट बनते हैं, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस से बनते हैं सब्जियां फ्रूट जो, तो सब्जियां फ्रूट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस से बनते हैं। तो मान लिया सब्जियां फ्रूट फोटोसिंथेसिस बनते हैं, कौन सी साइकिल से फोटोसिंथेसिस होती है, कैरियन साइकिल से, कैरियन साइकिल से इस दुनिया में ग्लूकोज जो बनता है वो किससे बनता है, कैल्विन साइकिल से ग्लूकोज बनता है, फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है कैल्विन साइकिल से, और कैल्विन साइकिल के अंदर भी ये बनते हैं, दोनों ट्रायोज कार्बोहाइड्रेट कैल्विन साइकिल में बनते हैं जिसमें ग्लूकोज बनता है, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज टूटता है, वहां पर भी ये दोनों ही रेस्पिरेशन में बनते हैं। जब डिटेल इन दोनों साइकिल में पढ़ोगे तो उसमें समझ आ जाएगा तुम्हारे कि ये कार्बोहाइड्रेट स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। हो गए ट्रायोज, हो गई टेट्रोज पैनल, तो एक एल्डोज था एक कीटोज था, एक होता है एरिथ्रोज और थ्रियोज, एरिथ्रोज और एक एरिथ्रोलोज भी होती है, एरिथ्रोलोज एरिथ्रोज शुगर कैल्विन साइकिल बनती है, फॉर्म इन